तो टर्न करते हैं, थोड़ा देखते हैं भगाकर कि कितना गाड़ी चल सकता है, क्या है, ज्यादा तो नहीं भगाएंगे। एक चीज और है, जैसे आप इंडिकेटर दीजिएगा तो आपको इधर का ब्लाइंड व्यू जो रहता है वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। ये नेक्सॉन में लॉन्च किया गया था, लेकिन टाटा ईवी में भी आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये टच नहीं है, लेकिन बहुत ही लाइट, आपको केवल हाथ रखने से हॉर्न बज जा रहा है। यानी कि आप अदर गाड़ी के सेगमेंट, यानी कि अभी तक मैं भी जितना भी इस सेगमेंट का गाड़ी हो, यानी कि 20-30 लाख तक का भी गाड़ी का हो बात, सबसे लाइट हॉर्न इसी गाड़ी का अभी तक मुझे देखने के लिए मिला है। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइवर। तो आज आपके सामने है टाटा पंच, और टाटा पंच ने आपने देख रहा होगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है। तो ईवी सेगमेंट अब टाटा पंच का लॉन्च किया गया है ऑफिशियली, और ईवी सेगमेंट के साथ ही टाटा पंच का बॉडी लैंग्वेज तो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजाइन में चेंजेस है, और जो क्वालिटी यूज किया गया था उसमें कहीं ना कहीं इन्हेंस किया गया है। तो सबसे पहले हम टाटा पंच का फ्रंट व्यू देख ले। तो फ्रंट व्यू से अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वही बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन आपको जो डिजाइन दिए गए हैं, जो लाइट्स दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस है। तो सबसे पहले हम लोग कीज के साथ स्टार्ट करते हुए देखें तो कीज आपको नॉर्मल वही मिलते हैं जो पहले मिला करते थे, लेकिन अगर लाइट्स देखें तो लाइट्स बहुत ही अलग हो गए हैं। कनेक्टिंग आपको DRLs दिए जाते हैं, और यही इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी मिलते हैं, और स्वैपिंग टाइप में भी इंडिकेटर आपको प्रोवाइड इसमें अब किए जा रहे हैं। तब लाइट्स देख लीजिए, जब वेलकम फंक्शन टाइप का और गुड बाय फंक्शन टाइप का लाइट्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लाइट्स के हिसाब से देखा जाए तो लाइट्स बहुत ही अच्छा ग्लोइंग है, और जैसे ही नेक्सॉन लॉन्च हुई थी तो नेक्सॉन के साथ ये वाला फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। अब तो नेक्सॉन, टाटा हैरियर और सफारी में भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं टाटा टियागो, टिगोर में भी अपग्रेड आने वाला है। तो उसके लिए अपडेटेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपको मिस ना हो। तो फ्रंट से ये है आपका लाइट्स DRL से यूज किए गए हैं। यहाँ पर आप टाटा का लोगो देख रहे होंगे, और यही लोगो में ही इसका चार्जर है, यानी कि जैसे ही अंदर से आप अनलॉक कीजिएगा चार्जिंग, ये वाला अपने आप खुलकर साइड हो जाएगा और चार्जिंग पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इस गाड़ी को। यहाँ पर लाइट्स देखा जाए तो नेक्सॉन में जैसे इंट्रोड्यूस किया गया था लाइट्स, उसी टाइप का आपको प्रोजेक्टर लाइट दिया जाता है LED बेस्ड पर, और इसमें 10 बीम दिए जाते हैं, और इसमें आपको LED बेस्ड पे ही फॉगलाइट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जो नेक्सॉन और हैरियर और सफारी में है वही लाइट्स इसमें भी आपको दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आइस मॉडल है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल मॉडल इसका आने वाला है, डीजल तो नहीं आता है, पेट्रोल मॉडल जो इसका आने वाला है उसमें भी ये लुक का इंट्रोड्यूस बहुत जल्द किया जाएगा, ऑफिशियली टाटा की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। तो एक तरह से हिंट कह सकते हैं कि जो आपको ईवी सेगमेंट लॉन्च किया गया है तो डिजाइन लैंग्वेज वही अब होने वाला आपका पेट्रोल मॉडल में भी। तो आप टाटा पंच का आप देख सकते हैं किस टाइप का डिजाइन लैंग्वेज मिलता है। फ्रंट से देखेंगे तो ईवी का पहचानने का जरिया ही यही है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको समथिंग कटिंग टाइप का लगेगा, और सामने से गाड़ी ओपन नहीं मिलती है ज्यादा, तो उसमें आपको ओपन मिलता है ताकि एयर इनटेक वगैरह ज्यादा अच्छे तरह से हो सके, तो वहां पर आपको फ्रंट ग्रिल्स वगैरह ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे ओपन वे में। यहाँ पर आपको समथिंग क्लोज मिलता है, थोड़ा बहुत ओपन स्पेस मिलता है ताकि जो लिमिटेड टाइप ऑफ एयर इसमें जाना रहता है वो जाता है, और ज्यादा इसको एयर का जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये पहले से ही ईवी कॉन्सेप्ट है, बैटरी बेस्ड गाड़ी है। फ्रंट से आपने देख लिया गाड़ी में बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं समथिंग, और इसमें फीचर वाइज देखा जाए तो 360 डिग्री कैमरा भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ईवी सेगमेंट में आपको बता देते हैं कि ईवी सेगमेंट में आपको दो तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक मीडियम रेंज, एक लॉन्ग रेंज। ये आपका लॉन्ग रेंज है इम्पावर्ड प्लस मॉडल, इसमें दो तीन टाइप के सेगमेंट का यूज किया गया, दो तीन वेरिएंट आपको मिलते हैं। सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, और लॉन्ग रेंज के साथ 421 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करता है, बैटरी बैकअप आपको 35 किलोवाट का प्रोवाइड किया जाता है। इसमें ये गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है आपको 90 किलोवाट्स की, और प्रोड्यूस करती है 190 NMs का, तो पावर और टॉर्क वाइज ये गाड़ी कभी लैक नहीं करेगी। और अगर आप ऑन द वे यानी कि रास्ते पे इसको दौड़ाते हैं, 0 to 100 का जो पिकअप स्पीड है वो बहुत ही इंस्टेंट आपको पकड़ने वाला है, तो पावर लैक आपको इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगी, और किसी भी चढ़ान को आराम से ये चढ़ सकती है। फ्रंट से आपने देख लिया कि गाड़ी में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, अब हम लोग चलते हैं इसका साइड प्रोफाइल में, और देखते हैं कि किस टाइप का आपको लुक्स मिलता है देखने के लिए, और क्या क्या फंक्शन फीचर आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आ चुके हैं। साइड प्रोफाइल बहुत ही बोल्ड मस्कुलर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जो आपको नजर जाएगा वो क्या है कि डॉट ईवी की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो ईवी सेगमेंट का लॉन्च ही हुआ है और डॉट ईवी की बैजिंग आपको मिलती है, तो इस सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है जो ईवी सेगमेंट अपना लॉन्च कर दी है। टायर्स के साथ बात करें तो 16 इंचेस का आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और अलॉय व्हील्स पर अगर आप ध्यान दें तो अलॉय व्हील्स के डिजाइन भी कहीं ना कहीं चेंज किया गया है। लेकर राइड क्वालिटी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सस्पेंशन भी इसका बहुत ही सॉफ्ट दिया गया है, आप कितने भी स्पीड में शार्प टर्न कर लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। CAC का फंक्शन दिया जाता है, कितने भी स्पीड में हाई स्पीड में आप शार्प टर्न लेते हैं तो गाड़ी कभी भी रोल ओवर नहीं करेगी। ऑर्बियंस के साथ बात करें तो आपको जैसे कि डुअल टोन कलर है, ये व्हाइट एंड ब्लैक डुअल टोन है, तो इसका कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग टाइप का दिया जाता है, रेगुलर व्हाइट एंड ब्लैक डुअल टोन टाइप का नहीं दिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि साइड प्रोफाइल कहीं ना कहीं चेंजेस है, तो यहाँ पर आपको कोई भी फ्यूल टैंक का लीड देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए आपका जो फ्यूल टैंक का लीड दिया जाता है वो सामने दिया जाता है, वो हम लोग एट दी एंड दिखाएंगे कि कैसे आप उसको ओपन कर सकते हैं और किस टाइप का व्यू मिलता है देखने के लिए।
यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसके रिक्वेस्ट सेंसर, आपके पॉकेट में कीज रहेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ORVMs फोल्ड अनफोल्ड लॉक अनलॉक पर होते हैं, तो आप जैसे ही लॉक कीजिएगा तो ORVMs इसको फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करने पर ORVMs आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। तो ये है इसका साइड प्रोफाइल। क्लाइडिंग वगैरह बहुत ही हाई दिया जाता है, और इस गाड़ी में सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि आपको एक टाइप का मिनी SUV मिल जाएगा, राइड क्वालिटी मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, और देखने में भी बहुत ही हाई क्वालिटी SUV देखने के लिए मिलता है। ये सामने से अगर आप देखिएगा तो इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। ये सब बात की बात है, हम लोग जब चलाएंगे गाड़ी को तब देखेंगे किस टाइप का आपको प्रेजेंस मिलता है और अंदर से कैसा फील आता है। अब हम लोग चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में और देखते हैं किस टाइप का रेयर प्रोफाइल है, कहीं कुछ चेंजेस किया गया है या नहीं। अब इसके ब्रेकिंग सिस्टम में भी कुछ इंक्रीज किया गया। पहले आपको दिए जाते थे फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक्स, लेकिन अब चारों में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि EPD के फंक्शन भी आपको इसमें अवेलेबल किया जा रहा है। वो तो हम लोग इंटीरियर में चलेंगे, अब आपको दिखाएंगे किस टाइप का थीम मिलता है। कहीं ना कहीं थीम में भी चेंजेस किए गए हैं, स्टेयरिंग व्हील कंप्लीट चेंज कर दिया गया, तो हम लोग इंटीरियर में चलेंगे तो आपको दिखाएंगे किस टाइप का चेंजेस किया गया है गाड़ी में। तो अब गाड़ी के हम लोग रेयर प्रोफाइल में आ चुके हैं। रेयर प्रोफाइल आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, रेयर प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस क्या है कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं पंच के केवल नहीं, .EV के भी बैजिंग। तो पंच .EV के बैजिंग आपको देखने के मिलते हैं। पहले आपको दिया जाता था क्रोम फिनिश में, अब आपको दिया जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, और अलग फंट है, फंट भी चेंज किया गया है। तो गाड़ी के बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। एम्पावर्ड प्लस की बैजिंग आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एम्पावर्ड प्लस टॉप एंड वेरिएंट है तो वो उसकी बैजिंग कुछ ना कुछ शॉर्टकट में जरूर देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन उसका बैजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। वाइपर वॉशर डिफॉगर सभी चीज आपको इसमें अवेलेबल किए जाते हैं। राइनोसोरस की बैजिंग इसमें भी आपको देखने के लिए मिलती है। डुअल टोन फिनिश मिलता है, हाई माउंटेड टेल लाइट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसके LED लाइट्स, और यहीं पर आपको इंडिकेटर, और यहीं पर आपको इसके रिवर्स लाइट्स भी ऑफर किए जाते हैं। दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा मिलता है जो असिस्टिव 360 व्यू भी देखता है और आपको रेयर प्रोफाइल का भी व्यू दिखाता है। अब हम लोग इसके बूट स्पेस के साथ बात करें तो बूट स्पेस में आपको कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कुछ बॉक्स रखा हुआ है, इसमें 366 लीटर्स का ऑफिशियल बूट स्पेस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पार्सल ट्रे भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। 60-40 स्प्लिट में आपको ये सीट फोल्ड होने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर साइड में और देखते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है वो इंटीरियर साइड में, और छोटा सा राइड क्वालिटी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। टाटा पंच का इंटीरियर, तो EV का इंटीरियर इतना क्लासी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर किसी को बताया ना जाए कि ये पंच का इंटीरियर है तो कोई जान भी नहीं पाएगा। रीजन क्यों, अगर कुछ लोग पहचान पाएंगे तो इसके AC वेंट्स के डिजाइन के चलते, नहीं तो और कोई डिफरेंस आपको, अगर आप सफारी ले लें, नेक्सॉन ले लें, उससे कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रीमियम फिनिश आपको इसके EV में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, और गाड़ी में 1% का भी नॉइज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इसका इंटीरियर का व्यू। अब हम लोग एक एक करके सभी चीज को देखते हैं कि क्या क्या आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है और कैसा आपको व्यू देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से ही हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल। तो यहाँ से आप सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस जगह आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलता है, और यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल का भी फंक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, और यहीं से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कुछ कुछ कंट्रोल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही प्रीमियम कलर दिया जाता है, बेज कलर में ही स्टीयरिंग व्हील का कवर मिलता है, बेज एंड ब्लैक में। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का यहाँ पर डिजाइन आप देख लीजिए, कंप्लीट डिजिटल डिजाइन कर दिया गया है। इसमें रेंज दिखा रहा है कि इतना रेंज तक और गाड़ी चल सकता है। स्टीयरिंग अलाइन का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप स्टीयरिंग पहले अलाइन कीजिए, स्टीयरिंग अलाइन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का व्यू देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये हो गया इसका इंटीरियर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख लीजिए रेंज दिखा रहा है, यहाँ पर आपको किलोमीटर यानी कि कितने स्पीड में आप चले वो दिखाएगा, यहाँ पर आपको कितना किलोमीटर चल चुका है। इसमें भी मोड्स दिए जाते हैं, अभी सिटी मोड में है बाय डिफॉल्ट, और इसमें 3-point सीट बेल्ट्स की वार्निंग दी जाती है। अभी जैसे मैं केवल बैठा हुआ हूँ, रेड कलर देख लीजिए आप, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर नेविगेशन आप ऑन कीजिएगा तो यहीं पर आपको नेविगेशन भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर साइड में आपको नेविगेशन का मार्क भी दिख रहा होगा, नॉर्थ करके दिखा रहा है कि इधर नॉर्थ है। अगर आप नेविगेशन ऑन कीजिएगा तो आपको इन डिस्प्ले नेविगेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें इंट्रोड्यूस ऐसे किए गए हैं जो इस सेगमेंट में फर्स्ट इन क्लास है। अब यहाँ पर दिखा जाए तो इस जगह आप देख लीजिए इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल, तो ये हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन, और ये आपके अपर डिपर का ऑप्शन भी होगा, ये आपके पार्किंग असिस्ट टाइप का जो लाइट होता है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप लेवल कर सकते हैं क्या हाइट वगैरह आप रखना चाहते हैं लाइट का, और यहाँ से आप बंद वगैरह कर सकते हैं। और ये आप देख लीजिए इसके AC वेंट्स का कंट्रोल, AC वेंट्स का कंट्रोल आपको कंप्लीट दिया जाता है।
इल्यूमिनेटिव और टच पैनल के साथ, जैसा कि रेंज रोवर वगैरह फिनिश मिलता है डुअल स्क्रीन टाइप में, तो उस टाइप में आपको यहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें मिलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, बूट ओपन करने का है, यहाँ लॉक करने का, 360 डिग्री हम लोग कैमरा चेक कर लेते हैं। तो कैमरा क्वालिटी तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है, टाटा का कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा कर दिया गया है, केवल यही मॉडल नहीं बहुत सारे इसके जो मॉडल्स आए हुए हैं, टाटा नेक्सॉन हो जाए, सफारी हो जाए, तो कैमरा क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। बर्ड आई व्यू दिया जाता है, तो 360 व्यू आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको अगल बगल भी दिखेंगे कि कौन कौन से गाड़ी लगे हुए हैं, क्या है क्या नहीं, किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो फ्रंट से देखना चाहते हैं तो देखिए आपकी गाड़ी फ्रंट से इस टाइप से दिखती है। तो ये एक एनिमेटेड फोटो है, ये करंट गाड़ी का फोटो नहीं है, एनिमेटेड फोटो है, लेकिन आपको गाड़ी का लाइन लेंथ सभी चीज़ वो बता देगा कि कहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है। ये 26.03 सेंटीमीटर्स का स्क्रीन आपको दिया जाता है और आपको बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको दिखाया जाए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, इसमें तीन वॉइस असिस्ट है, यानी कि एक बार एक हो गया गूगल हो गया, एक हो गया अमेजॉन एलेक्सा, एक हो गया आपका सीरी, तो सीरी भी है इसमें, अमेजॉन एलेक्सा भी है, गूगल भी है, और इसका टाटा मोटर्स का वॉइस असिस्ट भी है। तो arcade.ev क्या है आपको बताते हैं कि इसमें जितने भी एप्स वगैरह हैं आपको अपना यूजर आईडी वगैरह ऐड करना होगा, जब आप गाड़ी बाई कीजिएगा तो वो कंपनी वाले ऐड कर देंगे आपका। यहाँ पर आपको arcade.ev, जैसे कि आपको एंड्रॉयड फोन्स में प्ले स्टोर है, एप्पल्स में आपको मिलता है देखने के लिए ऐप स्टोर, तो उसी टाइप से टाटा का ये arcade.ev का स्टोर है, जहाँ से आप एडिशनल ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मूड लाइट आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से है, मूड लाइट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए वो लाइट्स वगैरह है, कलर्स वगैरह है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए इस टाइप से। अगर यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर आप कर दीजिएगा तो कलर वगैरह आपको चेंज मिलने लगेंगे। तो ये सारे फंक्शन फीचर आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पेयर वगैरह करना है तो वो सारे चीज़ तो है ही। आपको ऑटोमेटिक IRVM प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें भी, तो ऑटोमेटिक IRVM में आपको क्या क्या मिलता है देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक IRVM है, केवल ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा तो ये ऑफ हो गया, और यहाँ से ऑन कीजिएगा तो एक आपको ऑन होने के ग्रीन लाइट दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, और यहीं से आप इसके आपको SOS का बटन भी मिलता है, और यहाँ पर इमरजेंसी कॉलिंग का बटन भी मिलता है, यहाँ से आप इसका सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला टाटा पंच का सनरूफ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको छोटा सनरूफ ही मिलता है, बच्चे लोग के लिए ऑपरेटेबल है, बड़े लोग इसमें तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा सनरूफ दिया जाता है इस सेगमेंट में। सनरूफ भी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया टाटा पंच में, बस इसी का कमी था। और इसके साथ साथ अब टाटा पंच में ये आ गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया, इतने अच्छा स्टेयरिंग व्हील आ गया। स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट के साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको केवल टिल्ट ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। जैसा कि ईवी है तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं, एक आपको वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है, अगर आपको मोबाइल सपोर्ट करता है यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, दो आपको पोर्ट्स भी मिलते हैं। इस जगह देख लीजिए कितना अमेजिंग ये प्रोवाइड किया जाता है। आप ब्रेक प्रेस कीजिएगा तो जैसे ही आप स्विच कीजिएगा तो आप देख लीजिए, जैसे ही आप कीजिएगा तो आर पे आ गया। तो ये डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको दिखाएगा आप करेंटली किस चीज़ में, और यहाँ पर आप देख लीजिए आर करते हैं यानी कि रिवर्स करते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखने लगा। आप एन कीजिएगा ये न्यूट्रल हो गया, ये डी कीजिएगा यानी कि गाड़ी आपका रेडी टू गो हो गया। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप मैनुअली भी इसके ट्रांसमिशन को स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पैडल शिफ्टर्स चाहिए तो यहाँ पर इसके पैडल शिफ्टर्स भी हैं, आपको वो चीज़ भी दिया जाता है। पैडल शिफ्टर का भी कंपनी ने ध्यान रखा है कि अगर किसी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग रेव करना है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको और दो मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स और इको मोड, तो ये दो मोड्स भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर टू कप होल्डर्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें प्रोवाइड किया जाता है विद ऑटो होल्ड, यानी कि आप अगर इसको क्लिक करना भूल गया तो ये ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा पार्किंग पे होके, और आपको वो चीज़ का टेंशन नहीं लेना, आप कहीं पे भी जा सकते हैं बेफिक्र होके। आर्मरेस्ट भी इसमें आ गया, और लेदराइट आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें आपको कुछ स्पेस देखने के लिए मिलता है। ग्लव बॉक्स के साथ बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो टाटा पंच में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एक चीज़ बढ़ाया गया है कि आपको इसमें 6 एयरबैग्स कर दिए गए हैं, वो मैंडेटरी हो गया। 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पर देख लीजिए, एक एयरबैग यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा वहाँ, और पांचवा यहाँ, और इसी के अपोजिट में छठा यहाँ पे। तो एयरबैग्स इसमें आपको इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं 6। सेफ्टी वाइज तो 5-स्टार रेटेड है ही थी, दो एयरबैग में जब 5-स्टार ले तो 6 एयरबैग में अगर 5 के ऊपर कुछ होता तो और भी कुछ आ जाता। तो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेफ्टी के कंपेरिजन में देखा जाए, या फिर फीचर्स के कंपेरिजन में देखा जाए, या लुक्स के कंपेरिजन में देखा जाए, तो गाड़ी में आपको फीचर्स, लुक्स और परफॉर्मेंस भर भर के मिलेगा। अगर आप ईवी खोज रहे हैं इस सेगमेंट में तो टाटा पंच की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बाहर और देखते हैं क्या आपको कैपेसिटी मिलता है इसका
बैटरी बैकअप क्या मिलता है और कितने किलोमीटर आप चला सकते हैं और कितने में ये गाड़ी आप अपना बना सकते हैं। सो हम लोग गाड़ी को लेकर उतरते हैं रोड पे, थोड़ा देखते हैं कि कैसा प्रेजेंस लगता है, गाड़ी चलाने में कैसा लगता है, रियल फन टू ड्राइव है या नहीं, या वही टाटा पंच का जो एक शिकायत था जो 3 सिलेंडर इंजन आया करती थी उसके जैसा तो कहीं लैग फील नहीं आ रहा है, जो इनिशियल लैग जो टाटा पंच में मिलते थे 3 सिलेंडर के चलते। तो जैसे कि आपने देखा पीछे मेरे भैया बैठे हुए हैं तो वो सीट बेल्ट नहीं लगाए तो उसका भी वार्निंग अब गाड़ी आपको देती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो गाड़ी सेफ्टी वाइज और भी इंक्रीज कर दिया गया है और आप डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं अगर गाड़ी चल रही है तो किस टाइप का आपको डैशबोर्ड का लुक मिलता है, गाड़ी का फ्रंट बोनट व्यू देख सकते हैं, रोड प्रेजेंस देख सकते हैं और गाड़ी में ये जो 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जाता है वो और भी अल्टीमेट लेवल का किया जाता है। तो गाड़ी का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, गाड़ी में कोई भी अंदर में नॉइज वगैरह नहीं है और गाड़ी में लगातार वो सीट बेल्ट का रिमाइंडर आपको देते रहेगा जब तक आप सीट बेल्ट पहन नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है सीट बेल्ट से रिलेटेड। तो अब हम लोग गाड़ी को टर्न करते हैं, थोड़ा देखते हैं भगा कर कि कितना गाड़ी चल सकता है, क्या है, ज़्यादा तो नहीं भगाएंगे। एक चीज़ और है, जैसे आप इंडिकेटर दीजिएगा तो आपको इधर का ब्लाइंड व्यू जो रहता है वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये नेक्सॉन में लॉन्च किया गया था लेकिन टाटा ईवी में भी आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो रेयर व्यू आपको 360 व्यू देखने के लिए ऑफर किया जाता है। तो गाड़ी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा और अलग टाइप का चीज़ कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप इस गाड़ी को चलाइएगा तो टिपिकल वही लगेगा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अब फीचर वाइज देखा जाए, इंटीरियर वाइज देखा जाए तो गाड़ी को बहुत इन्हेंस कर दिया गया है। पहले गाड़ी आपको थोड़ा आउटडेटेड फील आने लगा था क्योंकि अब जब इसके सेगमेंट में इसके कॉम्पिटिटर में कुछ कुछ ऐसे ऐसे फीचर आ गए जो इस गाड़ी को पीछे कर दे रहे थे, लेकिन इसमें जब से ये सारे चीज़ को लॉन्च किया गया, आप देख सकते हैं ईवी के साथ अभी लॉन्च किया गया, अब इसका आइस मॉडल नहीं आया हुआ है। आइस मॉडल करने का मतलब ये जो पेट्रोल में इसका दिया जाता है वो अभी भी पुराना वाला ही सेगमेंट टाइप में दिया जाता है। तो अब जब इसका जो पेट्रोल मॉडल में जब इस चीज़ को इंक्रीज करके लाया जाएगा तो आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा और ईवी आप चलाइएगा तो आपको कोई भी गाड़ी में लैग नहीं लगेगा, आप एकदम स्ट्रेस फ्री होकर चला सकते हैं गाड़ी को और आपको कोई भी व्यू से रिलेटेड भी दिक्कत नहीं आने वाला है। गाड़ी को अगर आप भगाना चाहें तो भगाने में भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी में अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो मुझे नेक्सॉन में खलती थी, जो प्रॉब्लम दिखता था वो ये है कि हॉर्न बजाने में बहुत ताकत आपको लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत ही लाइट प्रेस पे आपको हॉर्न बजा रहा है तो एक तरह से लगेगा कि टच मटेरियल है, लेकिन ये टच नहीं है, लेकिन बहुत ही लाइट आपको केवल हाथ रखने से हॉर्न बज जा रहा है। यानी कि आप अदर गाड़ी के सेगमेंट, यानी कि अभी तक मैं भी जितना भी इस सेगमेंट का गाड़ी हो, यानी कि 20-30 लाख तक का भी गाड़ी का हो बात, सबसे लाइट हॉर्न इसी गाड़ी का अभी तक मुझे देखने के लिए मिला है। केवल हाथ रखते आपको पता भी नहीं चले कब वो प्रेस हो गया और हॉर्न बज जाएगा। तो उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये भी कंफर्टेबिलिटी में बहुत ही अच्छा चीज़ माना जाता है। अब गाड़ी को अगर हम लोग थोड़ा भगा होगा कर भी देखें कैसा आपको फील आता है, तो उस चीज़ को हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या इनिशियल पिकअप है। ज़्यादा तो नहीं भगा सकते, थोड़ा बिजी रोड है, लेकिन इनिशियल पिकअप चेक हम लोग जरूर कर सकते हैं। लेट्स चेक कि कैसा आपको इनिशियल पिकअप देखने के लिए मिलता है। गाड़ी को अगर पिकअप में मामले में देखा जाए तो गाड़ी में कोई भी आपको लैग नहीं मिलेगा और गाड़ी बाकी सब कंपैरिजन में देखा जाएगा, यानी कि अगर नेक्सॉन से आप कंपेयर कीजिए पिकअप वगैरह के मामले में, तो ऑब्वियस है कि इसका पिकअप आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है क्योंकि आपको ईवी सेगमेंट है। एक तो इंजन पर लोड नहीं आएगा, आपको बैटरी पर गाड़ी चल रही है, तो एक तरह से आप जो स्कूटी देखे होंगे जो तुरंत पिकअप पकड़ लेती है उसी टाइप का ये भी है, लेकिन इसमें आपको ऐसा फील नहीं होगा। स्कूटी में थोड़ा अल्टर फील आता है आपको गाड़ी चलाने में, थोड़ा अजीब टाइप का फील आने लगता है। अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ तो हो सकता है आपको ना आता हो, लेकिन मुझे ज़रूर आता है। लेकिन इसका जो ईवी सेगमेंट है ये आपको पेट्रोल से ज़्यादा फन टू ड्राइव मिलेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ ईवी टाइप का लेना तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको फ्रंट में भी अब रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने के लिए मिल रहा है, लाइट्स का क्वालिटी इतना अच्छा इंक्रीज कर दिया गया है। पहले लाइट्स का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था इसका, वो थोड़ा अल्टर टाइप का दिखता था, लेकिन अब जो नेक्सॉन सफारी हैरियर जिसमें लाइट मिलता है वैसे ही सेम लाइट इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। स्पीकर्स में मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख लीजिए 26.03 सेंटीमीटर्स का मिलता है, जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस चार्जर भी मिलता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। तो बहुत सारे चीज़ आपको इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ब्लाइंड स्पॉट व्यू आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं टर्न कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपको इसमें भी मिलते हैं। एक फीचर को देख लिए क्या आपको इस गाड़ी में दिया जाता है, किस टाइप का परफॉर्मेंस मिलता है, थोड़ा बहुत चला कर भी देखें किस टाइप का व्यू मिलता है जब गाड़ी चल रहा है रोड पे, लोगों के क्या रिएक्शन रहता है, सभी चीज़ हम लोग इसको अच्छे से देख लिए हैं। फीचर वाइज भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अगर आप जैसा देखें सफारी वगैरह जो मॉडल आपको प्रोवाइड करती है उसी टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें, बहुत बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। 26.03 सेंटीमीटर्स का डिस्प्ले मिलता है। फ्रंट से लुक आप देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग मिलता है। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कैसे इसका ये
आपका चार्जिंग पोर्ट ओपन होता है, तो इसको आप एक सेकंड रुकिएगा, आपको दिखाता हूँ किस टाइप से ये ओपन होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक टाइप का ओपन होता है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि अभी तक जितने भी ईवी सेगमेंट में गाड़ी आ गई है, छोटे छोटे चीज़ है जो गाड़ी को अट्रैक्टिव बना देता है, फ्यूचरिस्टिक बना देता है और लोगों का अट्रैक्शन का रीज़न बन जाता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो बड़े बड़े सेगमेंट में यूज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी छोटे सेगमेंट में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, इसका दो रेंज ऑप्शन मिलता है। एक रेंज आपको मिलता है 315 किलोमीटर्स का, ये एक रेंज मिलता है आपको 421 किलोमीटर्स का। ये सबसे लॉन्ग रेंज वाला है, 421 किलोमीटर्स आप आराम से चल सकते हैं। कितना कम भी गाड़ी चलेगा तो 410 किलोमीटर्स तो गाड़ी चलना ही है। और गाड़ी में आपको चार्जिंग बैकअप बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, चार्जिंग आप बहुत जल्द कर सकते हैं, चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगा। बैकअप आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, 410 किलोमीटर चलने के लिए बहुत ही बेहतरीन, लंबे लंबे ट्रिप्स भी आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, टाटा ग्रुप को बहुत सारे कंपनी से टाई अप हो चुका है, अभी 17,000 चार्जिंग स्टेशन 2024 में खुलने वाला है। भारत पेट्रोलियम भी उसमें से एक है जो 7,000 यूनिट अपने बेस पर खोलने वाली है। तो जो लोग के दिमाग में रहता था कि ईवी गाड़ी लेंगे लेकिन चार्ज कहाँ करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, एक दो महीने के अंदर में हर एक जगह आपकी लोकेलिटी में भी आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो वो चीज़ का काम भी चालू हो गया होगा, आप नियर बाय जाके पता कर सकते हैं, ये सारा चीज़ का काम चालू हो गया और अब ईवी चार्जिंग स्टेशन का कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। आप घर पर भी इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट चार्जर दिया जाता है इसका, और इस गाड़ी में चार्जिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला। और सर्विस स्टेशन आपके हर सिटी में अवेलेबल अब टाटा मोटर्स का कर दिया गया, तो लोकेलिटी में भी आपको सर्विस मिल जाएगा। गाड़ी के प्राइस के साथ बात करें, जो इस लॉन्ग रेंज का गाड़ी है एम्पावर्ड प्लस, इसका प्राइस है ऑन रोड आपको 14.49 लाख। तो ये गाड़ी आप ले जा सकते हैं 14.5 लाख में और अपना बना सकते हैं। इतना साइलेंट इंजन है कि कितने भी स्पीड आप कर लीजिए, गाड़ी स्टार्ट होगा तब भी नहीं पता चलेगा, स्पीड कर लीजिए तब भी नहीं पता चलेगा, साइलेंट इंजन है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं इंजन है ही नहीं, इसमें आपको बैटरी बैकअप इस टाइप का दिया जाए, बैटरी का यूज़ इस टाइप से किया गया है कि इंजन का इसमें कोई नॉइज ही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ईवी गाड़ी लेना चाहते हैं छोटा लोकल लोकल चलने के लिए, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। एसयूवी का एसयूवी हो जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा, कंफर्ट का कंफर्ट हो जाएगा, फीचर का फीचर हो जाएगा, फीचर से रिलेटेड भी आपको कोई कमी इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जैसे हमने दिखा दिए क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इस सेगमेंट में अभी तक कोई गाड़ी नहीं है जो ये फीचर प्रोवाइड करती है, और अभी तक इस सेगमेंट में ईवी गाड़ी ही नहीं आई है। अगर इसके पेट्रोल मॉडल के साथ भी हम लोग बात करें तो बहुत जल्द ये मॉडल का इंट्रोड्यूस करने वाली है कंपनी, और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स दिए जाएंगे इस मॉडल में। तो लुक्स आपने देख लिया, इस टाइप का लुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप कभी ये बाइक करने जा रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये गाड़ी कब लेने जा रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू सो मच, अभिषेक रोशन साइनिंग आउट, जय हिंद।